फाइट फॉर फैंटेसी। नमस्कार, Surat.xyz में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आज FFF के ऑर्गेनाइजर यहाँ पे उपस्थित है और आज यहाँ पे वर्कशॉप होने वाला है और उनके जो वर्कशॉप जो कराने वाला है वो भी यहाँ पे है और ऑर्गेनाइजर भी यहाँ पे है, तो हम उनसे बात करते हैं आज कि क्या है आपके वर्कशॉप में। हेलो, FFF फाइट फॉर फैंटेसी जिनके ऑर्गेनाइजर है पीयूष शाह एंड अनुज जांगिड, जिन्होंने आज एक वर्कशॉप रखा है tuttix ग्रुप एंड अमरदीप सिंह नट के साथ, और कल और आज वर्कशॉप है और शाम को कल बैटल होने वाला है, तो हमारे साथ में अभी tuttix ग्रुप आया हुआ है, तो उनसे आप बात कीजिए। हमारे साथ मुंबई से जो आए हुए हैं जो वर्कशॉप कराने वाले हैं उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम? Hello people, this is tuttix ग्रुप from Dance Plus Season 3 and myself Shubham Verma, the founder of the crew, Vivek Nayak, hello, and Deepak Chaddar and Nikhil Prasad, hello. जी, आप जो आज यहाँ पे आए हुए हैं तो आपको इस हमारे सूरत कैसा लगा? सूरत बहुत मज़ेदार है, एक पीसफुल सिटी है एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अभी फिलहाल हम ज़्यादा सूरत घूमे नहीं है, तो जैसे हम वर्कशॉप से फ्री होते हैं हमने प्लान किया कि हम काफ़ी सारे प्लेसेस जाने वाले हैं अभी, तो देखते हैं मज़ा आने वाला है। एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग सूरत में आए हैं एंड जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेके भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम सूरत में मैं टीच करने वाला हूँ, सो मजा आएगा। आप सब साथ में ही सिखाने वाले हैं, तो एक्सिक वो जो सिखाने वाले हैं वो क्या है? सी, जो हमारा बेसिक मोटिव है वो है टटिंग को प्रमोट करना, क्योंकि टटिंग एक ऐसा स्टाइल है जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है एंड हमारा मोटिव ये था कि लोग जब भी टटिंग के बारे में सोचे तो उनके मन में सबसे पहला नाम जो है वो tuttix का नाम हो, तो आज भी हम कुछ एक टटिंग रूटीन सिखाने वाले हैं एंड टटिंग के बारे में लोगों को नॉलेज देने वाले हैं और बताने वाले हैं टटिंग के बारे में, तो लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि उनको कुछ हटके सीखने मिलने वाला है आज। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए? पार्टिसिपेंट से उन लोग को बस ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग जो वर्कशॉप लेने वाले हैं वो बहुत यूनिक होने वाला है, तो बहुत मज़ा आएगा हमारे वर्कशॉप पे, तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे वर्कशॉप में बहुत मज़ा आने वाला है सबको, बस थैंक यू। आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आज तो वर्कशॉप रहेगा और कल बैटल है, मैंने ऐसा भी सुना है, तो उसके बारे में बताइए। जो ये बैटल होगा बहुत ही मेगा होगा, एकदम बड़ा बैटल होने वाला है गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है। इस बैटल में सूरत के ही नहीं बल्कि बाहर बाहर से भी आने वाले, मतलब पूरे इंडिया से आने वाले, सो गाइस ये वर्कशॉप को लेके हम इतने एक्साइटेड हैं कि हम बता नहीं सकते, और हम लोग अभी वर्कशॉप ही लेने जा रहे हैं, अभी हमारा वर्कशॉप होने वाला है सूरत में है, सो हम बहुत एक्साइटेड है सूरत को सिखाने के लिए। जी, आप कहिए क्या आपके जो पार्टिसिपेंट होंगे उनके लिए आप बोलिए कुछ। अच्छा, पार्टिसिपेंट को यही बोलना चाहता हूँ कि जरूर आइए हमारे वर्कशॉप अटेंड करिए और बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको, क्योंकि नया फॉर्म है, तो प्लीज डू कम। आपके बारे में बताइए। मेरे बारे में क्या बताऊँ, मेरे बारे में सबको पता ही है, पता तो है लेकिन बोलना जरूरी है, आप कौन से सीजन में थे, क्या है वो सब? मेरा नाम निखिल प्रसाद है, मैं tuttix से बिलोंग करता हूँ, डांस प्लस सीजन 3, मैं द बोन ब्रेकर हूँ। ये जरूरी था। थैंक यू सो मच। अब हम ऑर्गेनाइजर से बात करेंगे कि जो वर्कशॉप हमारा है आज है, अभी कितने बजे है, कौन सी जगह पे है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। तो हमारा वर्कशॉप अभी 6 बजे है और सूरत में रंगउपवन हॉल वहाँ पे रखा गया है, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग जल्दी से जल्दी आ जाओ, जो क्रू वेट कर रहा है आप लोगों का। जी, अभी टाइमिंग मतलब कितने बजे का है आपका वर्कशॉप, कितने बजे स्टार्ट होगा, कितने बजे खत्म होगा? टाइमिंग तो अभी 6:30 से 9 बजे का है जी, तो बहुत टाइम है हमारे पास जी, सिखाने मतलब डायरेक्ट एंट्री सब आप ले सकते हैं ऑन द स्पॉट एंट्री आप करवा सकते हो। कौन सा मतलब वेन्यू है? रंगउपवन हॉल। ओके फाइन, नानपुरा। और कल जो बैटल रहेगा वो कौन से टाइम में है वो हमारे दर्शक? बैटल टाइमिंग है 6 से 10, वो है साइंस सिटी सेंटर। ओके, वहाँ पे डायरेक्ट बैटल में कोई एंट्री ले सकता है या आज वर्कशॉप करेगा उसको ही मिलेगा एंट्री? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी वहाँ पे ऑन द स्पॉट एंट्री कर सकता है बैटल के लिए। जी, थैंक यू सो मच। तो दर्शक मित्रों, आप जो डांस लवर्स है तो बिल्कुल ही ये वर्कशॉप अटेंड करिए,
और लास्ट में ये आप सबको मैं ये पूछना चाहूँगी, आप जहाँ पे हमारे सूरत में ये सद्भावना होटल में रह रहे हैं, तो आपको ये होटल कैसा लगा? पहली बात तो मैं ये बताऊंगा, हमारा जो एंट्रेंस हुआ इस चीज से ये हमें बहुत ही अच्छा लगा ये देख के, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है हमें बहुत ही पसंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हमारा रूम भी काफी अच्छा है, डिलीशियस गुजरा, हाँ बहुत ही डिलीशियस We have delicious. हमने फर्स्ट टाइम गुजराती थाली खाई है एंड इस होटल से खाई है, बहुत टेस्टी थी, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत टेस्टी थी, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया गुजराती फूड एंड मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बाय द वे मुझे भी ये होटल बहुत ही अच्छा लगा है, मैं भी सूरत में रहती हूँ बट वन डे नाइट स्टे करने जरूर आऊंगी, आप भी आइए, थैंक यू सो मच मैम।